14.8 some systems which are performing SHM, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। कुछ सिस्टम ऐसी हैं जो SHM परफॉर्म करती हैं, तो ऐसी थियरी का हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसी थियरी का हम क्या करेंगे बच्चों, इस थियरी में हम क्या सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो सिस्टम्स SHM कर रही हैं उनके टाइम पीरियड कितना होगा और एंगुलर फ्रिक्वेंसीज उनकी कितनी है ये पता करना है। जो सिस्टम SHM परफॉर्म करती है उसके पास कितना एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और कितने टाइम में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा। यानी जो भी सिस्टम हमारे पास आएगी उसमें हमें यही करना रहेगा। तो टारगेट क्या है इस थियरी का, हमारा गोल क्या है बच्चों, कि ओमेगा कितना एंड टाइम पीरियड कितना। अब ओमेगा या टाइम पीरियड आपको अगर मिल जाता है तो आपको एक ही ढूंढना है, दूसरा मिल जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ओमेगा और उसे टी मिल जाएगा। तो इसकी कुछ स्टेप्स लिखा देता हूं आपको, ये स्टेप्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको बिना कोई दिक्कत ज्यादा तकलीफ हुए आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं पहली स्टेप क्या है। तो फाइंड आउट रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्लिक टॉर्क, द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट रिस्टोरिंग फोर्स और वी कैन से टॉर्क। नाउ वाई फोर्स और टॉर्क, सिर्फ फोर्स क्यों नहीं। तो बच्चों ये जब स्प्रिंग मास सिस्टम जब ऑसिलेशन करेगी तो यहां पे फोर्स लगेगा, बट अगर हम कोई पेंडुलम लें जो इस तरह से ऑसिलेट होगा जिसमें सर्कुलर पाथ आएगा, पूरा सर्कल नहीं पर छोटा बहुत सर्कुलर पार्ट आएगा, तो यहां पे टॉर्क लगेगा। समझ में आया, यहां पे ऑसिलेशन करवाने में सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा और ये जो पेंडुलम है इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, टॉर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क, स्टेप टू। देन फाइंड आउट लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, सेकेंड स्टेप में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एक बार आपने फोर्स फाइंड कर लिया उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यू नो द इक्वेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ। सिमिलरली फॉर रोटेशनल यू कैन राइट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यस और नो, एम की जगह आई, ए की जगह अल्फा, दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। ओके, तो एकदम ईजी। थर्ड स्टेप कंपेयर अबव इक्वेशन विथ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर SHM। ओके, SHM में एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आया था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फॉर एंगुलर मोशन वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो वी हैव टू कंपेयर द अबोव टू इक्वेशंस, आइदर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन विद दिस टू इक्वेशंस। ओके, कंपेयर अबोव इक्वेशन विद एंड फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड, यू कैन डायरेक्टली गेट ओमेगा स्क्वायर एंड देन फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑल्सो, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। क्या बच्चों समझ में आई तीनों स्टेप, यस और नो, फाइंड आउट द रिस्टोरिंग क्वांटिटी फोर्स और टॉर्क, देन एक्सेलरेशन, देन कंपेयर दिस एक्सेलरेशन विद दिस इक्वेशन, यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली। ओके, समझ में आया कि नहीं, याद रहा के नहीं बच्चों, मैसेज करो चलो फटाफट।
और याद रह गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ क्या ले लो? स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। इन तीनों सेट को स्टोर कर लो बढ़िया से, खत्म। फिर देखो 14.8.1 में हम लोग देखते हैं पहली सिस्टम स्प्रिंग मास। अच्छा, अगर स्प्रिंग और मास की सिस्टम हो तो किस तरह से ओमेगा और टाइम पीरियड निकलेगा? एकदम इजी कंसेप्ट है, यही स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं। पहले मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। एम मास, फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसको हमने खींचा इधर, तो इसमें रिस्टोरिंग क्या जनरेट हो गया, फोर्स। दैट फोर्स इज एफ एस, स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है? तो यहां पे स्टेप वन क्या लिखी जाएगी बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट चैप्टर सिक्स में आ चुका है, स्प्रिंग कांस्टेंट चैप्टर सिक्स में आ चुका है बच्चों, आपको आना चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो वो के पता है आपको, न्यूटन पर मीटर होने वाला है। अब जैसे हमने इसको यहां पे खींचा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। और वही यहां पे कौन सा फोर्स हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स लिखा जाएगा एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, याद है ना? तो पहली स्टेप बिल्कुल एकदम इजी, लल्लू लाल, लल्लू लाल है ये, बहुत सिंपल है। अब स्टेप नंबर दो की बात करते हैं, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन लीनियर रहेगा। तो बच्चों डायरेक्टली आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम, यस और नो? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, देन ए इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन मास। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ एस, यू विल गेट माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड, सिंपल लॉजिक। नाउ स्टेप थ्री, कंपेयर इक्वेशन नंबर टू विथ, बताओ कौन से कंपेयर करेंगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से? मैसेज करो फर्स्ट और सेकंड, विच वन बताओ, किसके साथ कंपेयर करना है? यस, पहले वाले से। यस, वेरी गुड, पहले वाले से। तो विथ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो दैट वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर विच इज के बाई एम। भाई गुजराती में बोलते हैं केम, ओमेगा स्क्वायर केम, ठीक है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ये है इंपॉर्टेंट आंसर, स्टार बना दीजिए, पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं। और लास्ट में हम टाइम पीरियड निकालेंगे, वो अगेन एकदम इजी प्रोसेस, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो बताओ शॉर्टकट क्या था? याद करो, ओमेगा का उल्टा लिखो एम बाई के, क्योंकि ओमेगा नीचे है यहां पे ऊपर है, तो यहां पे लिखोगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा। और शॉर्टकट आ गया, फोर्थ इक्वेशन आ गया। शॉर्टकट आपको याद है तो माकू, जो नहीं खाना चाहिए उससे कैंसर होता है, तो यही हमारा शॉर्टकट रहेगा। क्या बच्चों समझ में आया? स्प्रिंग मास सिस्टम में आपको किस तरह से आंसर लाना है? क्या बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आया? मैसेज करो। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, हम लोग दूसरी भी बात करने वाले हैं। ये हो गया आपका स्प्रिंग मास सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड पर, क्या उससे पहले कोई सम है? देखो तो 14.8 है सम, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम से पहले कोई सम है 14.8? हाँ बढ़िया सम है। चलो तो करते हैं बच्चों,
14.8, कौन सा सम है 14.8, एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जाम्पल है। चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप भी समझिए और आंसर ला सकते हो अगर आपको आ जाता है, क्योंकि है बहुत इजी। 14.8 उसमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करी हुई है, ठीक है। देखो हमें दी है एक सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, एग्जाम्पल नंबर 14.8। ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है बच्चों, जिसका के आपको दिया है 500 न्यूटन पर मीटर, और यहां पे जो बॉडी है वो 10 केजी की है, ठीक है। और उसको ऑसिलेट करवा रहे हैं, x is equal to 0 है, उसको कहां तक खींच के ले गए, x is equal to a, that is 10 सेंटीमीटर, यहां तक खींच के लेके गए और छोड़ दें, तो SSM करता है। और आपको क्या क्या फाइंड करना है ये पूछा गया है। तो बच्चों इसका जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, इसको कहां तक लेके गए, यहां तक, तो ये x इसका क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हो गया 10 सेंटी यानी 0.1 मीटर। एक ये डेटा, एक ये डेटा और एक ये डेटा, तीन बातें हमें दी हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो एकदम लल्लू लाल है 2π√m/k, तो मारू, तो बच्चों 2π m की वैल्यू 10 है, 10 kg है, नहीं मैंने गलत लिखा है, 5 kg है, m की वैल्यू कितनी है 5 kg है अपॉन 500, तो बच्चों 2 × 3.14, यहां पे आपको पता है क्या आने वाला है 10, तो यू विल गेट 0.628 सेकेंड, दिस इज अवर आंसर। कैसे बच्चों, 5 upon 500, 1 upon 100, उसका रूट निकलेगा 10, 2 × 3.14, 6.28 और अपॉन 10, 0.628, दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। क्या बच्चों आया, एकदम इजी, एकदम इजी। चलो सेकेंड क्वेश्चन है, वी मैक्स निकालना है, वी मैक्स क्या होता है बच्चों, क्या बच्चों ओमेगा इंटू ए, हाँ कि ना, याद करो SHM चल रहा है, यस, ओमेगा की वैल्यू √k/m इंटू ए, के की वैल्यू बच्चों 500, मास की वैल्यू 5, ये जो कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू 0.1, क्या बच्चों 1 m/s, यस और नो, कैसे 1 m/s, 500 upon 500, 100 का रूट 10 × 0.1, सी लास्ट पार्ट में मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों, ये भी आपको आता है, ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए, ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए, ओमेगा स्क्वायर क्या लिखा जाता है, ओ अंडर रूट नहीं आएगा, कैम सिर्फ KYM इंटू ए, के की वैल्यू बच्चों 500, ये 5, ये इंटू 0.1, क्या बच्चों 10 m/s² आगे ना, एकदम इजी। तो जो सिस्टम SHM कर रही थी उसकी तीन बातें हमने, T निकाल लिया, V max निकाल लिया, A max निकाल लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। चलो क्लियर ना, ओके अब हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं,
नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं बच्चों सिंपल पेंडुलम। क्या बात करने वाले हैं? सिंपल पेंडुलम 4.8 में 4.8.2 यस क्या बात करेंगे? 4.8.2 सिंपल पेंडुलम क्या देखने वाले हम लोग? सिंपल पेंडुलम बच्चों, सिंपल पेंडुलम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, है क्या ये समझेंगे, फिर वही तीन स्टेप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको। देखो ये है स्ट्रिंग, हाँ क्या है? स्ट्रिंग। कैसी होनी चाहिए ये? मास लेस, बहुत हल्की, ट्विस्ट लेस, घूमे नहीं ऐसी, एंड इनएक्सटेंसिबल, खींच नहीं सकते ऐसी। क्यों ऐसा माना गया? क्योंकि तभी आप SHM के जो इक्वेशंस है टाइम पीरियड के लिए इसमें और ओमेगा की इक्वेशन से वो ऑब्टेन कर पाते हो, नहीं तो ये सारे इफेक्ट करेंगे उस इक्वेशन को। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स ओके फॉर द स्ट्रिंग। ओके ये जो नीचे लगाई है ये होती है मैसिव बॉडी जिसमें कुछ मास होगा, और ये जो सिस्टम तैयार होती है इस सिस्टम को क्या बोला गया बच्चों? सिस्टम को क्या बोला गया है? सिंपल पेंडुलम। हाँ सिंपल पेंडुलम, क्या बच्चों समझ में आ रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? यस सिंपल पेंडुलम इसे बोला गया है। ये सिस्टम ऑफ मैसिव बॉडी विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट बाय अ स्ट्रिंग विच इज मासलेस, ट्विस्टलेस एंड इनएक्सटेंसिबल इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ओके अब यहां पे लेंथ कितनी? ध्यान से देखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है एलएस यहां तक, और इसकी जो रेडियस है वो है आर, मैसिव बॉडी की। ये है क्या सेंटर ऑफ मास? ध्यान से समझना है। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम? रिजिड सपोर्ट से सेंटर ऑफ मास, मैसिव बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस है उसे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं, यानी कि स्मॉल एल इज इक्वल टू एल डैश प्लस आर। क्या बच्चों फील हुआ? यस कैसे लिखेंगे इसको? डिस्टेंस बिटवीन रिजिड सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ मैसिव बॉडी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या बच्चों सिंपल पेंडुलम के बारे में फील आई? सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं ये पता चला आप लोगों को? हाँ के ना? और उसकी लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? यहां से स्टार्ट करना है स्ट्रिंग की और प्लस इसके कहां तक? सेंटर ऑफ मास तक। ये बात आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, लगभग ये जेई के एक पेपर में पूछा गया था, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ मास अगर चेंज होता है तो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। पर उसमें आपको एक रेती भरी हुई मैसिव बॉडी दी गई थी, रेती, और उसमें कहीं पे हॉल हो गया था और धीरे धीरे से रेत नीचे जा रही थी, तो क्या टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, या डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? तो यस, हाँ वो रिपीट करता हूं, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा यही कर देता हूं, देखो क्वेश्चन यही रिपीट कर देता हूं, पर उससे पहले आपको इसका टाइम पीरियड आना चाहिए। ठीक है, रिपीट हम करते हैं अभी लास्ट में, पहले इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, फिर
मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया दिख रहा है। डन ना? यस। वही सिंपल तीन स्टेप में हम तीर मारेंगे और तीन स्टेप में हम आंसर लेके आ जाएंगे बच्चों, चिंता नहीं करनी है, एकदम इजी सरल तरीका है हमारे पास तीन स्टेप का, ठीक है। देखो किस तरह से, देखो मेरे बच्चों किस तरह से हम वो तीन स्टेप लगाएंगे और आंसर लेके आ जाएंगे, कितनी तीन स्टेप। तो सबसे पहले मान लो इस पाथ पे ये सिंपल पेंडुलम चल रहा है ऐसे, और हम कुछ एंगल पे उसको मानते हैं यहां पे है, चलो ठीक है मान लेते हैं। कितने एंगल पे है बच्चों के? सपोज कर लो सर थीटा एंगल पे है, कोई भी थीटा एंगल हम ले सकते हैं, हमने थीटा एंगल लिया थीटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? ओके सही है ना? बिल्कुल हाँ। अब ये इसका मास यहां पे वेट फोर्स लगा देगा नीचे, यहां पे क्या बच्चों टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में, पक्का फील आ रहा है ना? अब यहां पे इस लाइन को मैं अलोंग दी एक्सटेंशन दूं तो भाई इस स्ट्रिंग की डायरेक्शन के अलोंग हम देखें ये वर्टिकल एंगल यहां पे थीटा, तो ये भी वर्टिकल तो एंगल यहां पे थीटा। अरे वाह ये तो समझ में आया। अब ये mg का मैं अगर कंपोनेंट लूं इधर तो क्या बच्चों ये एडजेसेंट यानी mg cos और दूसरा कंपोनेंट इधर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ये टेंशन t, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, ये टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ऐसे, देखो ये बैलेंस हो रहा है, अगर नहीं बैलेंस होगा तो ऐसे 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 आके ना ऐसे ऑसिलेशन होगा, पर ये बैलेंस हो जाएंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू mg cos थीटा, बैलेंस हो गया, ठीक सिंपल ये बैलेंस हो गया। अब देखो समझो इस पॉइंट से ये लेंथ L होगी, स्मॉल भी ले सकते हो कैपिटल भी ले सकते हो, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज L, इसको वापिस कौन ला रहा है mg sin, ये तो ऐसे जा रहा है वापिस कौन ला रहा है mg sin, बट वो फोर्स इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लग रहा है, ये लेंथ है जिसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा लग रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क बनेगा, तो यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा जो लिखा जाएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस। समझ में आया? सेवेंथ चैप्टर इलेवेंथ स्टैंडर्ड फर्स्ट सेम हम देखे थे व्हाट इज टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस। तो बच्चों फोर्स क्या लग रहा है mg sin थीटा जो इसको रिस्टोर करवा रहा है, और उसका लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l। अब हम लिखें इफ थीटा इज स्मॉल, अगर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करवाओ तो देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। अब ये बात नोट करनी है, देखो सब लोग ये लिख लो, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा थीटा टेन थीटा थीटा cos थीटा approximately becomes one, आके ना आके ना, समझ में आया बच्चों? ये कैसे याद रखना है सर, ये कैसे याद रखना है? अरे बच्चों sin 0 0 tan 0 0
कॉस 0 1, ऐसे याद रखेंगे। और क्या, इसमें तीर थोड़ी मारना है, तीर नहीं मारना है, पतंग चका सकते हो। उत्तरायण आ रही है, पतंग चका सकते हो, तीर वीर मत मार। ठीक है, ये लिख लेना। हाँ, ये 11वीं 12वीं दोनों में आने वाला है आपको। बढ़िया बढ़िया, लॉजिक है, सिंपल सिंपल बात है। तो यहां पे ये रख देते हैं। और क्या, तो रिस्टोरिंग टॉर्क बिकम्स MgL इंटू थीटा। अरे वाह, ये तो सही आंसर आ गया, MgL इंटू थीटा, MgL इंटू थीटा। स्टेप टू क्या थी, एक्सेलरेशन पर कौन सा आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आई। अरे सर ये क्या कर रहे हो। अरे बच्चों, ये वही बात है जो न्यूटन ने कही थी। न्यूटन ने सीधे सीधे चल के कही थी, हम उसको गोल गोल घुमा के कह रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है कि नहीं। ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, टॉर्क अपॉन इनर्शिया फॉर एंगुलर। ओके, अच्छा तो सर टॉर्क का इक्वेशन ऊपर रहा, एम जी एल इंटू थीटा अपॉन, बच्चों आई क्या होगा, बच्चों आई क्या होगा, क्या बच्चों आई होता है एम आर स्क्वायर, चैप्टर 7, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास, इसको पॉइंट मास मान लो, तो एम आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल, तो एम एल स्क्वायर। तो बच्चों कुछ काट पीट करना पड़ेगा इधर। यस सर, ये एम एम गया, एक एल गया, तो क्या बचा बच्चों, जी बाई एल इंटू थीटा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। क्या दिख रहा है बच्चों, यस दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, अच्छा वेरी गुड, जी बाई एल इंटू थीटा। अब बच्चों क्या होगा आगे, स्टेप नंबर तीन क्या है बताओ, कंपेयर इक्वेशन टू विथ अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, एंगुलर क्वांटिटीज से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करो तो अल्फा की जगह अल्फा है, थीटा की जगह थीटा है, तो माइनस की जगह माइनस है, तो बचा कौन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई एल। यस हाँ के ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी बाई एल। दिस इज द थर्ड इक्वेशन विच इज इंपॉर्टेंट, सो दैट मैं स्टार पुट कर रहा हूं। हाँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई एल, सही है, यस यस यस। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, टी बराबर 2π के नीचे ओमेगा, तो 2π ऐसे का ऐसा, ओमेगा का उल्टा लिखो, रूट जी बाय एल का उल्टा एल बाय जी। अरे सर ये तो आपने पहले भी करवाया था शॉर्टकट के साथ। हाँ बच्चों शॉर्टकट के साथ देखा था, और शॉर्टकट क्या था मेरे बच्चों, याद करो क्या था शॉर्टकट, लाल जी। हाँ के ना, लाल जी, यस आ गया समझ में, तमाकू और लाल जी बस दो केस चलने वाले, तमाकू और लाल जी दो केस चलने वाले हैं, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। क्या बच्चों समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, एक सम और करेंगे, पर उससे पहले छोटी सी बात सीखेंगे, छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया एकदम। चलो हो गया, तो वही तीन स्टेप हैं, यहां पे टॉर्क, यहां पे एक्सेलरेशन,
कंपैरिजन यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर एंड लास्ट लास्ट में क्या मिलेगा भाई टाइम पीरियड। अब बच्चों एक और केस इसमें बात करते हैं जिसका नाम है, बढ़िया नाम है, सेकेंड्स पेंडुलम। क्या है? सेकेंड्स पेंडुलम। जो पेंडुलम एवरी सेकेंड टिक करे उसको सेकेंड पॉइंट पेंडुलम बोलते हैं। जैसे कि यहां पे एक पॉइंट है भाई और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो टिक टिक ये उसका मेन पोजीशन होती है। तो देखो टिक 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 टिक, यस, यानी विच टिक्स एवरी सेकेंड, विच टिक्स एवरी सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम, इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। क्या बच्चों समझ में आया व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम? द पेंडुलम विच टिक्स एवरी सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सेकेंड्स पेंडुलम, व्हाट इज द टाइम पीरियड? बताओ बच्चों, मैसेज करो, लाइव क्लास का फायदा उठाओ, इसका टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम फिक्स है ये, क्या होगा बताओ? T इज इक्वल टू कितना सेकेंड? व्हाट इज टाइम पीरियड? देखो यहां पे लिख देता हूं मैं आंसर, 2 सेकेंड। कितना होगा? 2 सेकेंड भाई, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड। कैसे? देखो टिक टिक यहां पे जब भी आएगा वो टिक टिक करेगा, ठीक है? यानी अब देखो टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, तो यहां से गया और यहां पे वापिस आएगा तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट, टिक टिक कितने सेकेंड लगी? 2 सेकेंड। दैट्स व्हाई टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड। ओके, अब उसकी लेंथ कितनी? लेंथ कितनी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? P इज इक्वल टू 2π√L/g। देखो T फिक्स है, G फिक्स है फॉर सेकेंड पेंडुलम, तो एल भी फिक्स हो जाएगी। कैसे? देखो टी का स्क्वायर करो तो क्या बच्चों? 4π² × L/g। तो हम लेंथ निकालेंगे, एल को सब्जेक्ट, तो ये जी ऊपर आया, स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4π² टी का स्क्वायर। टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, 4 हो गया, जी अप्रोक्सीमेटली 10 ले लें, 4π का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, तो क्या बच्चों लेंथ आएगी 1 मीटर। ये था एग्जाम्पल 14.9 फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से ये एग्जाम्पल हमने सीधा सीधा इसमें कैलकुलेट कर लिया, तो टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड है, तो लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। क्या बच्चों समझ में आया? हा के ना, यस और नो? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बच्चों।